वो दिन दूर नहीं जब पुलिस वालों के घरों से बेटियों को उठा उठा के ये नेता लेके जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आज एक हफ्ते से हमारी बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, सड़कों पे बैठी हुई है, जंतर मंतर पे खुले आसमान के नीचे। आपको शर्म आनी चाहिए। 56 इंच की सीने की बात करते हैं। धिक्कार है उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने 7 बेटियां शिकायत दर्ज कराने गई और उन पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की। बिजली ये पानी बंद कर दें और हमारे बच्चे हार मान के घर चले जाएं। ये बच्चे हार मानने वालों में से नहीं है। बेटियों के साथ जो शोषण हुआ, शोषण करने वाला सलाखों के पीछे जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि धरना प्रदर्शन जारी है। कुश्ती की जो महिलाएं हैं, जो पहलवान हैं, वो धरने पे बैठी हुई हैं और हमारे साथ एक महिला है जिनको आप लगातार वीडियोस में देखे होंगे। किसान आंदोलन से लेके लगातार ये जंतर मंतर पे या अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करती आई हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो ये महिला पहलवान बैठी हैं, क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? मैम, क्या लग रहा है, इन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण बहुत ताकतवर हैं, उनके पास जो है सांसद भी हैं बीजेपी के। कितने भी बड़े ताकतवर हों, कितने बड़े माफिया हों, कितने बड़े डॉन हों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून जिस दिन ईमानदारी से अपना काम करेगा, उसके घर से उसको खींच के थाने में डाल देगा। तो 2 महीने हो चुके हैं, तब जाके कहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब जाके FIR दर्ज हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम यहाँ डटे रहेंगे। 3 महीने हो गए हमारे बच्चों को इंतजार करते हुए, न्याय की मांग करते हुए। और ब्रिजभूषण से पूछना चाहते हूँ कि जिस टाइम ये बेटियाँ गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भारत का गौरव है। आज जब वो बेटियों के साथ शोषण हुआ है और बेटियाँ न्याय की मांग कर रही हैं, तब ब्रिजभूषण ने आरोप लगा रहे हैं कि ये एक ही परिवार की बेटियाँ हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस टाइम ये गोल्ड मेडल लेके आई थी, तिरंगे की शान बढ़ा रही थी दूसरे देशों में, तब आपने नहीं कहा कि ये किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस राज्य से आते हैं? आज जब आपके ऊपर आरोप लगे हैं और बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं, तो आप इन बेटियों का मुंह बंद नहीं करा सकते। आप ये कह के कि ये एक ही परिवार की बेटियां हैं या एक ही राज्य की हैं या एक ही जाति के हैं, ये खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी पूरे देश का होता है। खिलाड़ी और जवान, पहलवान और जवान और किसान, ये पूरे देश के लिए काम करते हैं। ये कि अपने लिए नहीं करते, ना इनकी कोई जाति होती ना कोई धर्म होती, तो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जीतते हैं और देश के लिए मरते हैं। कहा जाता है कि जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो प्रधानमंत्री बड़े बड़े फोटोज खिंचवाते हैं, लेकिन अब वही प्रधानमंत्री या बीजेपी के अन्य लोग एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं इन बेटियों के लिए। धिक्कार है। मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। जिन बेटियों को गौरव बताया था, जिनके साथ सेल्फी ले रहे थे, अपने घर पे चाय पे बुलाने वाले प्रधानमंत्री जी, आज एक हफ्ते से हमारी बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, सड़कों पे बैठी हुई है, जंतर मंतर पे खुले आसमान के नीचे। आपको शर्म आनी चाहिए। 56 इंच की सीने की बात करते हैं। आप एक ब्रिजभूषण से डर गए प्रधानमंत्री जी, आप ब्रिजभूषण से डरते होंगे, लेकिन हम भारतीय नारी उस डॉन से डरने वाले नहीं हैं। वो कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, उन्होंने हमारी बेटियों का शोषण किया है और जब तक उनके किए की सजा उनको नहीं मिल जाती, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक बेटियां जंतर मंतर पर डटी रहेंगी और पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है। डराने की कोशिश ना करें खिलाड़ियों को। धमकियां दे रहे हैं आपके लोग उनके घरों में जा रहे हैं। खिलाड़ी अकेले नहीं है, खिलाड़ियों के साथ पूरा देश खड़ा है। और जब तक आपको सलाखों के पीछे नहीं देख लेते, हम जंतर मंतर से हिलने वाले नहीं हैं। जब ये महिला खिलाड़ी यहाँ बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, तो रात में इनकी बिजली काट दी जाती है, पानी रोक दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? ये बच्चे किसान मजदूर के बच्चे हैं, ये मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में पले हैं, मिट्टी में बड़े हुए हैं। ये इतने कमजोर नहीं कि ये लाइट काट दें या बिजली या पानी बंद कर दें और हमारे बच्चे हार मान के घर चले जाएं। ये बच्चे हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जितने अत्याचार कर रहे हैं करें, जिसने गुनाह किया है उसको हम सजा दिला के रहेंगे। तो 2 महीने से अधिक हो गया, अभी तक FIR तो दर्ज हो गए लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई। FIR भी ऐसे ही दर्ज नहीं की। धिक्कार है उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने 7 बेटियां शिकायत दर्ज कराने गई और उन पुलिस वालों ने शिकायत
दर्ज नहीं की। मैं पुलिस के सबसे उच्च अधिकारी से पूछना चाहती हूँ, क्या उन 7 बेटियों में से अगर एक बेटी पुलिस अधिकारी की होती तो क्या तब तुम मना करते शिकायत दर्ज करने से? आज अगर तुम बाहुबलियों को, डॉन को संरक्षण दे रहे हो पुलिस वालों, वो दिन दूर नहीं जब पुलिस वालों के घरों से बेटियों को उठा उठा के ये नेता लेके जाएंगे, तब मैं देखूंगी कि तुम FIR दर्ज करते हो या नहीं। धिक्कार है ऐसे पुलिस वालों को, जब तुम ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो तुम कसम खाते हो कि निष्पक्ष जांच करोगे, तो आज तुम एक ब्रिजभूषण से डर गए, एक डॉन से डर गए? शर्म करो, थोड़ी सी बेटियां बेटी होती हैं, वो पूरे देश की होती है, ना उनकी कोई जाति होती ना उनका कोई धर्म होता। जब वो देश के लिए मेडल लाती हैं तो पूरे देश की शान होती हैं। आज जब हुआ अन्याय हुआ उनके साथ, वो न्याय की मांग कर रही हैं, तो उनको जाति में बांटने की भूल ना करें। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि हम जांच का समर्थन करते हैं लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हमें तेरा इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें जो बेटियों का शोषण हुआ है हम उस गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इस्तीफे के लिए यहाँ पे बेटियाँ नहीं बैठी हैं, बेटियों के साथ जो शोषण हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं कि बेटियों के साथ जो शोषण हुआ, शोषण करने वाला सलाखों के पीछे जाए। तो देख लीजिए, हमारे साथ ये महिला थी और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रही थी कि जो ब्रजभूषण है उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।